भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में किसानों के हितों और ऐतिहासिक कृषि अधिनियम पर देशव्यापी जन जागरण अभियान को लेकर शुक्रवार को कवर्धा के गांधी मैदान में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, सांसद संतोष पांडे, जिलाध्यक्ष अनिल सिंह सहित प्रदेश व जिले के कई नेताओं के साथ हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए। किसान महापंचायत को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में आने के बाद 2 साल में जो प्रदेश के हालात हैं, कवर्धा और जिले के ग्रामीण क्षेत्र की जनता के मन में जो पीड़ा है, आक्रोश है, किसानों के मन में इस सरकार के प्रति कितनी नाराजगी है। 4 घंटे से लगातार हजारों किसान यहाँ बैठे हुए हैं, इससे पता चल रहा है किसानों ने कांग्रेस के इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज से तैयारी शुरू कर दी है। ये भूपेश बघेल की सरकार और इसका भय और आतंक किसान महापंचायत में बताना चाहता हूँ। किसानों का सबसे बड़ा शोषण यदि इन 2 सालों के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में हुआ है। जब हम छत्तीसगढ़ में किसानों की बात करते हैं तो भूपेश बघेल को उनकी घोषणा पत्र दिखाते हैं। उन्होंने जो वादा किया था घोषणा पत्र में, उसका क्रियान्वयन में भूपेश बघेल सरकार असफल रही है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि जिन्हें कभी किसानों से मतलब ही नहीं रहा है, वह आज किसानों के हितों की बात केवल अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। कृषि अधिनियम किसानों के हित में है, केवल कुछ लोग भ्रम फैलाकर किसानों का तथाकथित हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे जनता भलीभांति समझती है। उन्होंने कहा कि इस बिल से किसी किसानों का अहित नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ सियासी दलों की सियासी जमीन खिसक रही है, जिससे वे चिंतित हैं। कौशिक ने कहा कि यह बिल किसानों की समग्रता के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अधिकारियों ने लिखित में अनुमति दिया, अगर फोन आ जाता है ऊपर से उस जगह पे नहीं होना चाहिए, भीड़ दिखना नहीं चाहिए, इतने लोग आ रहे हैं, उनको मालूम होता है, लगता है किसी कोने में कर दिया जाए। अरे अधिकारियों को तो गिने चुने दिन रहना है, उनको ज़्यादा तलवे चाटने की जरूरत नहीं है। ज़बरदस्ती की गिरफ्तारी दिखाने के लिए स्वामी वक्त मत दिखाओ, वक्त बदलता है, 2 साल निकल गया है, 3 साल बाद हिसाब किताब हम भी लेने आएंगे, चिंता मत करो, इसलिए ज़्यादा गर्मी मत दिखाओ। स्वामीनाथन आयोग ये कांग्रेस ने बनाई और वो जो सिफारिश किए उसको लागू मोदी जी ने किया, ये इस पे किसानों की गलती नहीं। वास्तविक में इन्हीं बातों का उस बिल में इन्होंने ढूंढने और उस बिल का समर्थन प्रदेश के करोड़ों किसान कर रहे हैं। कुछ नाम मात्र प्रदेश के लोग उसका विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस के यहाँ तो सरकार जो विरोध कर रही है, इनको वास्तविक में विरोध करने का कोई अधिकार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जे न्यूज़, कवर्धा।